नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हैप्पी किचन में। तो दोस्तों, मैंने आज बनाया है यहाँ पे, देखिए इस तरीके से बूंदी की कढ़ी बनाई है मैंने और पकौड़ी की कढ़ी मैंने डाली है वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। मैंने दूसरी डाली है पकौड़ी की कढ़ी, तो आज मैंने बनाया है बूंदी से कढ़ी इस तरीके से। तो आप ज़रूर बनाइए इस तरीके से, और चलो देखते हैं कि मैंने कैसे बनाया है। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं, आपके लिए लेके आए हैं नई रेसिपी, आपने अभी तक नहीं खाया होगा और बनाया भी नहीं होगा, खाया भी नहीं होगा। तो आज हम बनाएंगे बूंदी की कढ़ी। बूंदी कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कटोरी बेसन लिया हुआ है, यहाँ मैंने तड़के के लिए मेथी, जीरा, हरा सूखा धनिया, सूखी मिर्च, और मैंने लिया है यहाँ पर हींग। मसाला इसका पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्याज ली है, दो मिर्चा है, लहसुन है, थोड़ा सा अदरक डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पे हल्दी है और जीरा मिर्चा पाउडर भी है। तो पहले हम इसको चल के सिल्वर पीस लाते हैं, क्योंकि मसाला मेरा थोड़ा है तो ये जो है मिक्सर में नहीं पिसाएगा। तो हम फिर इसको पहले पीस के लाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस बेसन का घोल बनाऊँगी। घोल बनाने के बाद इसको हम रख देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए। तो मैंने ये बेसन छाना हुआ है, छान लिया है। अब इसमें हल्का सा हमें नमक डालना है, बहुत हल्का सा डालना है। इस तरीके से आराम आराम से इसका पेस्ट हमें बना लेना है इस तरीके से। बूंदी लायक मेरा पेस्ट बन जाएगा इस तरीके से। मैं इसकी गुठलियाँ पड़ी हैं, इसको अभी हम इस तरीके से मिलाएंगे आराम से। अभी हमें इसे मिलाना है, गुठलियाँ इसकी पड़ी हुई हैं। जब इसमें बबल्स आने लगेंगे तब समझिए ये मेरा रेडी हो गया है। देखिए मेरा घोल बन के हो गया है रेडी इस तरीके से। देखिए आराम से इसकी बूंदी निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम 10 मिनट के लिए दे रहे हैं ढक, तब तक हम पीस के लाते हैं मसाला। तो दोस्तों, कढ़ाई मेरी हो गई है गरम। अब इसमें हम इस तरीके से पुनिया से हम निकालेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी बूंदी बन रही है मेरी, कुछ करना नहीं है हमें। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी बूंदी बनी है। इस तरीके से मैं सारी बूंदी बना लूंगी। अभी देखिए आवाज आ रही कुरकुर की, अभी एकदम से हो गई है रेडी। मैं इसको इस तरीके से, देखिए कितना कुरकुरी हो गई है, बहुत ही अच्छी बन गई है। इस तरीके से मैं सारी निकाल लूँगी। इसी तरीके से मैं फिर से बनाऊँगी।
जैसे ठोकना है साइड से इस तरीके से, ताकि सारी बूंदी निकल जाए। तो दोस्तों मेरी सारी बूंदी बनके रेडी हो गई है। तो इसमें तेल है ज़्यादा, मैं थोड़ा तड़के के लिए तेल बचाऊंगी रायते के कढ़ी के, और बाकी सारा तेल मैं निकाल लूँगी। देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा तेल नहीं है, बहुत थोड़ा तेल है, बहुत ज़्यादा तेल हम डालेंगे नहीं है। तो सबसे पहले इसमें हम डाल रहे हैं जीरा, धनिया, मेथी मैंने डाल दिया है। उसके बाद हम डाल रहे हैं दो मिर्च। उसके बाद में हम डाल रहे हैं मीठी मिर्च की पत्ती। उसके बाद में हम डालेंगे हींग। उसके बाद जो हमने मसाला तैयार किया है वो डालेंगे। इस तरीके से फिर हम इसको इस तरीके से चलाएंगे। हल्दी डाले हैं इसमें, हल्दी मेरी पक जाए इस तरीके से चलाते रहेंगे। अब इसमें हम डालेंगे जीरा, धनिया, मिर्चा पाउडर, ताकि टेस्ट इसका और अच्छा आ जाए। नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि दही डालेंगे, दही में नमक थोड़ा खट्टा, दही है मेरा, मैं दही खट्टा करके बनाया हूँ। कढ़ी जो है दही खट्टी जाए थोड़ी तो ही अच्छी बनती है। तो जब तक के लिए मेरा रंग है मसाला पक, तब तक हम दोस्तों जब तक मेरा मसाला पक रहा है तब तक हम क्या करते हैं, एक चम्मच मैंने बेसन और ले लिया है, इसका हम बनाएंगे घोल इस तरीके से, ताकि इसका रसा जो है कढ़ी का गाढ़ा हो जाए। तो इसमें हम डाल रहे हैं दही, देखिए बहुत अच्छी जो जमी हुई दही है मेरी, खट्टी भी है तो मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी। इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे दोस्तों। मेरा मसाला जो है तेल छोड़ दिया है, अब गया है ये पर। तो दोस्तों बहुत लोग हैं मसाला नहीं पीस के डालते हैं, तो पता नहीं अभी तक मैंने उसे बनाया नहीं उस तरीके से, तो मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, खाया है काफ़ बार। तो हम इस तरीके से बनाते हैं, मुझे बहुत पसंद आता है। तेल छोड़ दिया है मसाला, पक गया है मेरा। अब इसमें हम दही और बेसन का जो घोल बनाए हैं उसको हम इस तरीके से ऐड कर देंगे। तो दोस्तों अगर ये मेरी कढ़ी की रेसिपी आपको पसंद आती है और अच्छी लगती है, इस तरीके से ज़रूर बनाइए। अगर अच्छी लगती है बना के चेक करिएगा, खाइएगा, और पसंद आता है दोस्तों तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है कढ़ी मेरी। तो दोस्तों आप लोग का अगर इसी तरीके से सहयोग रहा तो उम्मीद है कि हम ज़रूर कामयाब होंगे। तो दोस्तों मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग का इस तरीके से प्यार चाहिए और साथ चाहिए। तो बने रहिए इसी तरीके से मेरे साथ। तो देखिए इसे हमें अभी उबलने देना है, अभी हम इसमें बूंदी नहीं डालेंगे। जो ये मेरा उबलने लगेगा तब हम इसमें बूंदी डालेंगे। उबलने के बाद हमें पता चलेगा कि ये बूंदी डालने लायक हो गया है कि नहीं। अभी देखिए ये मेरा उबाल आने लगा है, अब इसमें हम डाल दे रहे हैं बूंदी।
मैंने सारी बूंदी इसमें डाल दी है। इस तरीके से दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छी कढ़ी मेरी बनके होगी रेडी। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। आज मैंने फ्राई राइस भी बनाया है और ये कढ़ी भी मैंने बनाई है बूंदी की। देखिए अभी हमें इसको धीम करके गैस को और कम से कम 10 मिनट तक इसको हम बहुत धीमी आंच में पकाएंगे ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा आ सके हो सके। इसको हम ढक के अभी थोड़ा देर ढकेंगे, इसको ढक के हमें पकाना है। देखिए मेरी बूंदी की कढ़ी बनके हो गई रेडी। तो बताइए देखिए कैसी बनी है, आप इस तरीके से ज़रूर बना के चेक करिए। तो इसको एक प्लेट में कटोरे में इसको हम सर्व कर ले रहे हैं। तो दोस्तों देखिए मेरी बूंदी की कढ़ी बनके हो गई है एकदम रेडी इस तरीके से। तो दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आती है तो आप इस तरीके ज़रूर बना चेक करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और दोस्तों मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके देखने के लिए। दोस्तों तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।